टॉप थ्री बेस्ट पावरफुल प्रोसेसर अंडर 10,000। तो भाई अगर आपका बजट 10,000 है, 10,000 के बजट रेंज में आपने मल्टीटास्किंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो एंड आपको लाइक लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, मतलब 6,000 mAh की आपको बैटरी भी चाहिए, तो यार ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूं। तो बात करते हैं सीधा नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है इन्फिनिक्स हॉट 10 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये फोन है ये 4 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें हीलियो G70 देखने को मिल जाता है, तो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग वगैरह करनी है, जहाँ अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाली। एंड इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, तो यार आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 10,000 के बजट में सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लस LED फ्लैश के साथ फ्रंट कैमरा मतलब सेल्फी आपको 8 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिल जाती है। 4 कलर्स में ये फोन आता है, चारों कलर इसको बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं, जो कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपने चेकआउट करने आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा मैं डीपली आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.78 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को आपको MediaTek Helio G70 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 60 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस आपको LED फ्लैश भी इसके साथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। सेल्फी की बात करूं आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 4 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन, जो भी आप लेना चाहते हो या जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। प्राइस की बात करूं आपको 10,200 के बजट रेंज में इन्फिनिक्स हॉट 10 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया इन्फिनिक्स हॉट 10 के, अगर इस स्मार्टफोन की और आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बहुत लोगों ने इसको परचेज़ किया, बहुत ही लोगों ने इसको पसंद किया, बिकॉज इसका प्रोसेसर आपको ठीक देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में आपको MediaTek Helio G80 देखने को मिल जाता है, 70 देखने को मिल जाता है, तो यार एक प्लस पॉइंट आ जाता है। तो अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है इन्फिनिक्स हॉट 10। अगर आपने चेकआउट करना है, लिंक मैंने प्रोवाइड किया, आप चेकआउट कर सकते हो। डीपली देखना चाहते हो या स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो भी, जैसे भी दिल करता है आप कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ। नंबर टू पर यार मैंने रखा है Realme Narzo 20 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फोन है ये 2 कलर्स में देखने को मिलता है, सिल्वर कलर एंड ब्लू कलर, दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में, जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 2 वर्ड में फोन देखने को मिलेगा, 64GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज, आप देख लेना जो भी आपको स्टोरेज सही लगती है आप उसके और जा सकते हो। आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, आपको 8 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जर प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन, जो कि Realme Narzo 20 का प्लस पॉइंट आ जाता है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला 10,000 के बजट रेंज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है Realme Narzo 20। बहुत ही लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं, Realme एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाली। एंड अगर आपका 10,000 मतलब अगर आपका बजट है 10,000, तो आपके पैसे खराब नहीं जाने वाले। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेन स्पेसिफिकेशन की, डीपली थोड़ा सा बता देता हूँ। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बातों को Helio G85 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4GB रैम मिल जाएगी प्लस आपको 64GB स्टोरेज, अगर आपने 128GB स्टोरेज की ओर जाना आप उसके और भी जा सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। सेल्फी की बात करूं आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 20 के। तो यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फ़ोन का डिज़ाइन एंड फ़ोन के कलर्स वगैरह एंड बैक साइड में जो कैमरे की शेप आती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इसको सूट करती है। तो भाई अगर आपको भी ऐसा फ़ोन चाहिए तो आप जा सकते हो Realme Narzo 20 की, और आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगी। लिंक मैंने प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 1 की।
नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है पोको एम थ्री को। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, तीन कलर्स में देखने को मिलता है। जो कलर आपको सूट करता है भाई आप उसके और जा सकते हो, आपको पसंद आने वाला है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलती है। 6000 mAh की बैटरी मतलब भाई आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, जो कोई भी आप हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 MP के साथ सेल्फी मिल जाती है। फ़ोन जो है वो 4 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 11 nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है इसका जो प्रोसेसर। एंड आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो यार 10,000 से 11,000 के बजट रेंज में पोको एम थ्री आपको बहुत ही मतलब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है। माइनस पॉइंट भी बता देता हूँ, माइनस पॉइंट सिर्फ इसका ये देखने को मिलता है कि आपको प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलता है, तो आपको केस डालकर इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैच वगैरह आने के डर रहते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम इश्यू नहीं आने वाला, आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली इजीली यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 3 स्मार्टफोन बता दिया जो कि आप 10,000 से 11,000 के बजट रेंज में ले सकते हो। एंड अगर आप इनमें से कोई भी ले लेते हो आपका एक पैसा भी ख़राब नहीं होने वाला, आप लॉन्ग टाइम पे इनको यूज़ कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, जब कोई भी आप हैवी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो या डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो चल गया, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। एंड यार अगर आपका बजट 10,000 है, 10,000 के बजट रेंज में आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, मैंने उसकी वीडियो पहले ही की है, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।